वैसे भी शुरू कर सर उनके सर एक ऐसा शो आने वाला है जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, जो इस शो का हिस्सा होने में ज़्यादा मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं इसको मैं बहुत खुश हूँ, सूत्रधार हूँ, इसका एंकर हूँ और मैं देवऋषि नारद भी बनाऊँ तो देवलोक में भी है पृथ्वी। पहली बार ये टेलीविज़न इंडस्ट्री में पहली बार ऐसा शो आ रहा है जहाँ आप देवलोक भी है, पृथ्वी लोक भी है और एक से एक गायक हैं और भजन गा रहे हैं ईश्वरी आराधनाओं को, जो हम लोग कहते हैं ना परिवार मंदिर जाता है, माता बहनें दादा दादी बच्चे, अब वो भजन को शनिवार रविवार रात को जी टी वी पर मिलेगा तो बहुत ही सुंदर है और बड़ा आनंद ले रहा हूँ। मेरे मन का शो क्योंकि मैं थोड़ा अध्यात्म से शिव भक्त हूँ तो मुझे मैं मन का शो था और मुझे मन का मिला, ऐतिहासिक है, बहुत बड़ा है वो जी टी वी, इस पर बहुत बड़ा प्रोडक्शन भी कर रही है, ग्राफिक्स टू एवरीथिंग, पोस्ट प्रोडक्शन सब कुछ भव्य है, तो अच्छा हुआ इतने भव्य शो के साथ जुड़ के। ये मेरा सौभाग्य है कि अगर आने वाली जनरेशन को जो पाश्चात्य संस्कृति की और ड्रग्स की तरफ जा रही है या अल्कोहल की तरफ जा रही है या शराब या गलत रास्ते चली जा रही है, कुछ चीज़ें इनमें सीख भी होगी, इसमें कथाएँ भी हैं, तो उस मामले से उस रास्ते हम लोग अपने बच्चों को अपनी आने वाली पीढ़ी को बताएंगे कि 10,000 साल पहले भारत कैसा था, हमारा इतिहास क्या था, हमारे देवी देवता क्या थे, क्या होता और उनसे क्या सीख मिलेगी आम जीवन में, आम जनमानस को हम लोग क्या दे पाएंगे, समाज को हम क्या दे पाएंगे, समाज को गलत चीज़ों के अलावा ये चीज़ें मतलब वो तो फैल ही रही हैं, हमारा सच क्या है, हम लोग कौन लोग हैं वो बताना समाज को ज़रूरी है और ये शो उसमें बहुत ही बड़ा एक योगदान देगा। मुझे लगा कि ये बहुत ऐतिहासिक शो होगा और इसका क्रेज़ बहुत बड़ा होगा, बड़ा भव्य क्रेज़ होगा इसका और इसको बहुत लोग देखेंगे क्योंकि जी टी वी एक बहुत बड़ा चैनल है, जी टी वी के माध्यम से देश विदेश में इसको लोग देखेंगे और इसका एक अलग क्रेज़ होगा, आने वाली पीढ़ी हमारी जनरेशन को बहुत पसंद आएगा हमारी, क्योंकि इस देश में युवा बहुत हैं, यूथ बहुत हैं, तो उनके लिए शो बहुत बड़ा एक बहुत बड़ी सीख होगी। ये शो को आने वाली पीढ़ी की क्या मैसेज देना चाहती है कि आप लोग जानिए भारत क्या था, स्वर्ण स्वर भारत, एक भारत कैसा था, ये भारत की रचना कैसे है, अब भारत कैसा होना चाहिए और हम लोगों को इस भारत में रहने के लिए एक किस तरह से एक इसकी परंपराओं को, इसकी संस्कृति को, इस संस्कार को जानते हुए हम लोग एक डिसिप्लिन लाइफ कैसे जी के माता पिता परिवार को संभालें, अपने शरीर को संभालें, अपने मस्तिष्क को संभालें, पॉजिटिविटी रखें हम लोग, तो ये शो एक मेडिसिन की तरह भी रहेगा तो भी बहुत चीज़ें बहुत आनंद आएगी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, कॉम्बिनेशन भी इतना अच्छा है हमारे साथ कि हमारे साथ सारे जजेस भी बड़े अद्भुत हैं, भव्य हैं, तो सारी चीज़ें बहुत शानदार रहेंगी।